Subscribe to The Honest Critique for current affairs, movie, book, and product reviews. Also, make sure you press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. The views, information, or opinions expressed during the video series are solely those of the individuals and do not necessarily represent those of The Honest Critique and its employees. The following video contains strong language which may be offensive to some viewers. Viewer discretion advised. Hello and welcome to The Honest Critique, where words and stories are our infinite space. On this platform, we strive to decode and deconstruct the complex societal issues, address the larger public policy matters of the country in an attempt to unify the clustered voices of the country and taking them into the mainstream discourse. Today, we have with us one of the founding members of Himachal Queer Collective, which is an empowering open space community that is dedicated to the cause of raising awareness and ushering inclusivity of the LGBTQ community in this complex ecosystem that our society is. And today, symbolically, it happens to be the World Mental Health Day, and this conversation becomes even more paramount on that front. So welcome, Shashankji. And my first question to you is, what was the main motivation? What was the main thrust behind the Himachal Queer Collective? Why do you think there was a need to have this organization? And what is the nature of work that you do? Yes, thank you, Simran. First of all, बहुत शुक्रिया, बहुत thank you, और आपने हमें invite किया और इस सवाल के लिए. So मैं एक कहानी है कैसे हम लोगों ने शुरू किया. और ये कहानी ऐसे होती है कि हम लोग जब थोड़ा बहुत ऐसा सोचते हैं कि हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अपनी सेक्सुअलिटी, अपने डिजायर्स को, तो पहले लोग किस तरह से करते थे, बट अभी के टाइम में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पर आप लोगों से मिल सकते हो, लोगों से अपने दिल की बात कर सकते हो, नया संबंध बना सकते हो. एक वो वर्ल्ड है, एक पैरेलल वर्ल्ड है जहां पर आप जो हो वो हो सकता है आप सेफ महसूस करते हो और आप वो बातें कर सकते हो जो आप आम तौर पे समाज में और लोगों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि लोग आपको जज करते हैं बहुत तरीकों से. तो करीब 3 साल पहले इस तरह का एक प्रोफाइल जो है वो मैंने एक हुकअप साइट पे बनाया एक्सप्लोर करने के लिए अपनी सेक्सुअलिटी को. और उस दौरान मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो मेरे आसपास रहते हैं, जो आमतौर पर नहीं विजिबल हैं, बट उस ऐप पे जो है वो विजिबल थे. और उसके थ्रू शुरुआत में तो बहुत फन था, बहुत मजा था, बट उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि बहुत सारी चीजें जो है वो मिसिंग हैं. मतलब बहुत सारी इनसिक्योरिटी है, एंजाइटी है लोगों में, और लोग जो है वो एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं. तो कैसे जो है हम लोग कैसे एक सेफ स्पेस बनाए जहां लोग कम से कम अपनी बातें जो है वो कह सकें, और जहां लोगों को एक तरह का मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास वो नॉलेज है, क्योंकि मेरे पास वो प्रिविलेज थी कि मैं इस तरह की LGBTQI संबंधित या सेक्सुअलिटी संबंधित चीजें जान सकूं, पढ़ सकूं. तो वो नॉलेज मेरे पास था जो मुझे लगा कि आम तौर पे छोटे कस्बों, गांव में जहां शिक्षा का बहुत कम एक्सेस है लोगों के पास, जहां लोगों के पास उतना एक्सपोजर नहीं है कि वो अपने बारे में पहचान पाए, तो वो मुझे लगा कि क्यों ना मैं शेयर करूं अपनी लर्निंग्स, और वहां पर जो लोगों को जो चीजें पता है उनके साथ जो है वो लर्निंग्स का एक्सचेंज भी हो. तो जब बात करते थे तो धीरे धीरे चीजें खुलती थी कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं लोगों को, सोसाइटी में लोग जज करते हैं, स्कूल्स में बुली होते हैं, फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करती, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है. तो फिर मुझे लगा कि ये जो मेरा जो प्रोफाइल है जहां पर मैं रिलेशनशिप ढूंढ रहा था, उस प्रोफाइल को ट्रांसफॉर्म किया धीरे धीरे एक हेल्पलाइन के तौर पे, और उस हेल्पलाइन का नाम दिया कि क्वेयर हेल्पलाइन, हिमाचल क्वेयर हेल्पलाइन टाइप्स. तो और उसमें कुछ चीजें लिखी कि आप अपने बारे में हमें बताइए, दिस इज अ सेफ स्पेस, आपको किसी भी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए आप पूछिए. इसके अलावा
सेक्सुअलिटी पे के ऊपर या अपनी आइडेंटिटी के ऊपर, अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी के ऊपर हम लोग चर्चाएं करते थे ऑनलाइन। फिर लोगों के फोन आने लगे, हम लोग डिस्कस करते थे अपनी जिंदगियां, लोग एसएमएस करते थे, लोग व्हाट्सएप करते थे, मैं फिजिकली मिलता भी था लोगों से। और इस तरह से एक साल गुजरा और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन गया और भी लोग जुड़ने लगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश भर में जो LGBTQI इश्यूज पे काम कर रही हैं, उनसे कुछ लोग जब कभी हिमाचल आए होंगे और उन्होंने इस तरह का प्रोफाइल देखा होगा तो उन्होंने अप्रोच किया मुझे कि आप कौन हैं, आप इस काम के पीछे क्या मोटिवेशन है। और हिमाचल जैसी स्टेट जहां पर जो है मतलब शहर कम है, जहां पर अगर प्राइड्स होती हैं बड़े बड़े शहरों में तो यहाँ प्राइड्स के बारे में लोगों को नहीं पता है, तो वहां पर जो है वो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होना जो है वो बड़ी बात थी। और तो फिर इस तरह से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला और लोगों से भी, तो फिर हमने 2021 में जनवरी में इसको एक कलेक्टिव का रूप दिया, क्योंकि उस कलेक्टिव में हमारे पास लोग थे जुड़े थे जो LGBTQI कम्युनिटी से संबंधित थे और अलाइज थे जो हमें सपोर्ट करते थे। और फिर हमने सोचा कि कैसे हम इस चीज को आगे लेके जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कुछ भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो कई बार उसको आप सेंसर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए जो वो शायद उस चीज को अच्छे से ना लें, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो बहुत सारी, मुझे लगता था कि बहुत सारी चीजें कहना चाहता हूं पर उनको मुझे नहीं कह पा रहा हूं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट जब हिमाचल क्वेयर कलेक्टिव के हमने सोशल मीडिया हैंडल्स बनाए तो हम खुल के चीजें लिखने और कहने लगे, मतलब जो हम वो हुकअप एप्स पे जो इंफॉर्मेशन हम लोग डिसेमिनेट करते थे अब वो हम खुल के डिसेमिनेट करने लगे, खुल के हम कहने लगे कि देयर इज अ काइंड, मतलब दिस ये कलेक्टिव है यहाँ पे और यहाँ पर हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ें, हमारे मेंबर्स बने, ताकि एक तो वो लोग इसके बारे में बात कर सकें अपने एरियाज में, और दूसरा कि हमारे जो भी हम चाह रहे हैं कि हम एक सेफ स्पेस बनाएं क्वेयर कम्युनिटी के लिए, हम लोग खुल के बात कर सकें करना शुरू करें, हम लोग एक डायलॉग करना शुरू करें, कुछ बातचीत करना शुरू करें इस इशू के ऊपर, तो बातचीत होने का कुछ शुरुआत हो एक तरह से। तो हमने फिर वो सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेंबर्स के लिए कॉल किया, हमारे पास 35+ मेंबर्स इस समय हिमाचल क्वेयर कलेक्टिव में हैं जो क्वेयर कम्युनिटी से हैं, हिमाचल से, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम हिमाचल और अलाइज हैं, और बहुत खूबसूरत रिस्पांस मिला मुझे हम लोगों को। और जब लोग जुड़े तो आपकी जो है वो ताकत बढ़ती है, तो ताकत जो है वो आपको एनर्जी देती है आगे काम करने के लिए। और फिर हमने सपने देखना शुरू किए, जो सपने मैं देखता था सिर्फ अकेला बैठे, अब मिलके लोग सपने देख रहे थे। और मिलके सपने देखने से ये होता है कि आप सड़कों पे निकल सकते हो, आप हमने सोचा कि हम पालमपुर के जो टाउन है वहां पे जो मार्केट है वहां जाएंगे और इस पे लोगों से बात करेंगे। तो एक ताकत जब आपको मिलती है, लोगों के साथ एनर्जी जो मिलती है, तो आपको आपको आपका जो जिंदगी में जो आप चाह रहे हो ना कि कुछ करके जाएंगे यार, तो वो जिंदगी में वो वाला सपना जो है ना पूरा होने लगता है। और आपने जो झेला होता है अपनी जिंदगी में ना, वो आप सोचते हो कि अगली जनरेशन ना झेले, तो वो भी आपका जो है एक तरह से आपको दिखने लगती हैं वो चीजें होती हुई। तो हमने अभी जनवरी से अभी तक हमने कुछ वर्चुअल सेशंस किए, क्योंकि कोविड था तो हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, कुछ वर्चुअल सेशंस किए। और एक हमारा प्रोग्राम है, इट्स कॉल्ड अवेयरनेस एंड पर्सपेक्टिव बिल्डिंग प्रोग्राम। तो वहां पे हमें यही है कि सबसे पहले कैसे हम लोग इस इशू पे बात करना शुरू करें अपने कम्युनिटी के साथ, तो कैसे हम लोग बाहर निकलें, कैसे हम लोग स्कूल्स में जाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाएं और छोटे छोटे एक एक दो दो घंटे के बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ सेशन करें ऑन सेक्सुअलिटी, ऑन जेंडर, ऑन क्वेयर इश्यूज एंड राइट्स, ताकि पता चले कि हम लोगों के कितने आइडेंटिटीज हो सकते हैं, क्या डाइवर्सिटी है हमारे समाज में और कैसे उस डाइवर्सिटी को हमें एक्नॉलेज करना है और अप्रिशिएट करना है और एक्सेप्ट करना है। तो इसकी बहुत बहुत शुरुआती बात हमने करना शुरू की है। और इसके अलावा हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने अपनी जिंदगी ही टटोली तो हमें लगा कि हम लोगों की जो आइडेंटिटीज हैं, हम लोगों की जो सेक्सुअल आइडेंटिटीज थी, हम लोगों की जो जेंडर आइडेंटिटीज थी, इसकी वजह से बहुत सारा ट्रॉमा हम लोगों ने झेला है अपने बचपन में, अपनी जिंदगी में। और आप तमाम स्टडीज देख लीजिए, तमाम तरह की रिसर्चेस देख लीजिए कि LGBTQI कम्युनिटी के लोग जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है मेंटल हेल्थ के लिए। तो एक मेंटल हेल्थ
की सपोर्ट प्रोवाइड करना हमारे लिए जो था वो भी अहम काम था। तो हमने कॉल किया वॉलंटियर्स के लिए, तो बहुत सुंदर बहुत अच्छे काउंसलर्स, सेंसिटिव काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट ने हमें अप्रोच किया और हमारे साथ वॉलंटियर कर रहे हैं। हमने एक वर्चुअल वर्कशॉप की ऑन फर्स्ट एड, मेंटल हेल्थ कैसे हम लोग सीख सकते हैं और हमारे आसपास अगर किसी व्यक्ति को जरूरत है सपोर्ट की तो हम कैसे उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के लोग हमारे साथ जुड़े। तो एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम वी हैव। इसके अलावा वी हैव एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, क्योंकि जब ये सोशल मीडिया पे हमारा इंफॉर्मेशन जाने लगा और लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया तो हमारे पास इस तरह के भी लोगों ने अप्रोच किया जो इस क्वेयर कम्युनिटी से हैं और जो काम तलाश कर रहे हैं, है ना। और फिर उस तरह के भी लोग हैं जो काम करने के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो कैसे दो लोग, दो उन उन दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ा जाए, कैसे जो व्यक्ति हैं जो काम ढूंढ रहे हैं और बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, उनको एजुकेशन का पूरी तरह से एक्सेस नहीं मिला या एजुकेटेड हैं थोड़े बहुत, तो वो जो सेफ स्पेस है जहां पर वो अपनी आइडेंटिटी के साथ काम कर पाए वो सेफ स्पेसेस हमारे पास नहीं है। तो कैसे एम्प्लॉयर से बात करें, कैसे उनको सेंसिटाइज करें, कैसे उनसे हम लोग बातचीत करते रहें कि काम कैसा चल रहा है, तुम्हें कोई सपोर्ट चाहिए होगा हम खड़े हो जाएंगे तुम्हारे दरवाजे पे, है ना, तो हमारे हम तुम्हारे एम्प्लॉयर से बात करेंगे, तुम्हें किसी भी तरह का हैरेसमेंट, किसी भी तरह का बुली वहां फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें भी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। तो हमने इसके लिए भी कॉल किया कि लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं और क्वेयर कम्युनिटी से हैं प्लीज हमसे संपर्क करें। जो एम्प्लॉयर्स हैं चाहते हैं कि आप इंक्लूसिव बने, आप डाइवर्सिटी के साथ काम करें तो आप भी हमें प्लीज अप्रोच कीजिए। तो वो दो सिरों को जोड़ने का काम। इसके अलावा एक और सपना हमने देखा, इट्स कॉल्ड क्वेयर रिसोर्स सेंटर, जहां पर एक इस तरह का एक एक सेंटर होगा, दो तीन कमरों का एक भवन होगा जहां पर हम लोग LGBTQI राइट्स पर फिल्में देखेंगे और दिखाएंगे, हम लोग किताबें पढ़ेंगे मिलकर, हम लोग काउंसलिंग करेंगे क्योंकि कई जगह कई बार हमें मिलना होता है लोगों से और वो लोग नहीं आ पाते क्योंकि हम लोगों का प्लेस बहुत दूर है या मेरे जो ऑफिस है वहां पर कुछ और काम चल रहा है। तो कैसे एक डेडिकेटेड जगह हो जहां पर हम वो बातें कर सके जो आम तौर पर हम और जगह करने से डरते हैं, तो कैसे एक सेफ जगह बन सके जहां पर हम लोग इस तरह की बातचीत कर सकें। इसके अलावा ड्यूरिंग कोविड हमें पता था कि कैसे क्वेयर कम्युनिटी के लोग घरों में फंसे हुए हैं अपनी फैमिलीज के साथ, और हम ये भी मानते हैं कि फैमिलीज में जो है वो सबसे ज्यादा और सबसे पहले हैरेसमेंट होती है हम लोगों की। तो जब कोई और सपोर्ट नहीं है, दुनिया का ध्यान जो है वो बीमारी की तरफ है और लोगों को बचाने की तरफ है, वहां पर इस कम्युनिटी जो बहुत ही मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटी है, उनके उनके जो लोग जो अपनी फैमिलीज में फंसे हुए हैं उनको कैसे हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो भी हमने शुरू किया कि कैसे हम लोग घरों में जो लोग हैं वो बाहर निकल के आए, हम जाएंगे आपके पास, हम आपको सेफ स्पेस देंगे, अगर आपको आना है यहाँ पर आइए, हम आपके लिए सपोर्ट ढूंढेंगे, हम आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। तो इस तरह की चीजें हम लोग सोचते हैं करते हैं, कई बार बहुत अच्छी होती हैं, कई बार जो है उसमें कमी रह जाती है तो और उसमें एफर्ट डाल के करते हैं। तो ये एक पैशन है हमारा और हम जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं हमें लग रहा है कि और बेहतर तरीके से हम चीजें आगे भी करते रहेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि शहरों में तो बहुत सारे वेन्यूज हैं, लोगों को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अपनी बात कहने के, सपोर्ट सिस्टम जुटाने के, स्पेशली क्वेयर कम्युनिटी के पास, बट छोटे गांव और शहरों, छोटे गांव और छोटे कस्बों में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है और वहां पर इस तरह के जो है इनिशिएटिव्स की बहुत जरूरत है ताकि हम लोग जो है जो जैसा हम एक बेहतर और एक समता मूलक समाज का जो सपना देखते हैं वो तभी पूरा हो पाएगा। राइट, अकॉर्डिंग टू यू एम्पावरमेंट लीड्स टू ब्रॉडनिंग द होराइजंस एंड यू बीन एट द हार्ट ऑफ इट अंडरस्टैंडिंग दीज कॉम्प्लेक्स मैटर्स एंड द स्ट्रगल्स एंड द मेंटल हेल्थ बैरियर्स व्हिच यू टच्ड रियली अर्ली अपॉन एंड दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। टर्निंग टुवर्ड्स द लीगल ट्रेजेक्टरी, माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट एवर सिंस the historic Navtej Singh Johar judgment which struck down section 377 of the Indian Penal Code that criminalized the act of unnatural sex, and do you think there has been a monumental social change in the lives of the LGBTQ community? What are your thoughts on this? Yeah,
सिमरन हमारी एक दोस्त थी कमला भसीन, और कमला भसीन जो है वो बहुत सालों से नारीवादी मूवमेंट में काम किया उन्होंने, और अभी पिछले कुछ दिनों उनका देहांत हो गया। और बट उनकी जो चीजें हैं, मुझे कई बार ये लगता है कि हम जो कुछ समाज को दे के जाते हैं ना कई बार, तो हम लोग और जो लोग समाज को बहुत कुछ देके जाते हैं जैसे कमला, तो वो लोग कभी मरते नहीं हैं, उनकी चीजें हमारे साथ हमेशा रहती हैं। तो आपके सवाल से एक बहुत खूबसूरत मेरे को उनकी एक सेइंग याद आई कि उन्होंने बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि हमारे देश को सिर्फ नए कानूनों और बिलों की जरूरत नहीं है, हमारे देश को जरूरत है बराबरी और इंसाफ पसंद दिलों की। तो नए बिल नए कानून आते रहेंगे, पुराने रिग्रेसिव कानून जाते रहेंगे, बट हमारे जो दिल में जो ईमानदारी, दिल की जो बराबरी है, दिल में जो डाइवर्सिटी को हमें एक्सेप्ट करना है और अप्रिशिएट करना है, जब तक वो नहीं होगा तब तक जो है वो उस कानून के खत्म होने का या नए कानून जो हमारे हमारे फायदे के लिए बनाए गए हैं उसका कोई खास परिणाम हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो जब 377 जो है वो रिपील हुआ, तो उसके बाद बहुत खुशी थी और बहुत हमारी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा लहर थी। इसके अलावा और भी लोग जो है वो बहुत खुश थे, और बहुत सारे चीजें जो है ऐसा लग रहा था कि नहीं हो टर्निंग पाएगा, पॉइंट, पर टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट था हमारी सबकी जिंदगी में। बट उसके साथ ये भी था कि जैसे जाति है हमारे देश में, कास्ट सिस्टम है, वो करीब 70-75 साल पहले अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो उसमें लिखा कि सब लोग बराबर हैं, जाति नहीं है, महिला पुरुष सब बराबर हैं, है ना। कोई कोई किसी के पास अगर कम पैसे हैं और किसी के पास कोई बहुत अमीर है वो भी बराबर हैं। बट क्या बराबरी हमारे दिलों में है? क्या अभी भी जातिवाद हमारे समाज से गया है? हम आए दिन जातिवाद का एक नया रूप देखते हैं, आए दिन पेट्रियार्की का एक नया रूप देखते हैं। तो बहुत सारे मुझे लग रहा है बहुत सारे स्तर पे काम करने की बहुत जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि इस कानून के खत्म होने के बाद एक एक बढ़िया हम बेहतर समाज बना पाए। तो हमें कुछ सवालों के मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कानून के चले जाने के बाद हमारे परिवारों में क्या क्या लगता है आपको कि अगर हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे रिलेटिव्स में कोई व्यक्ति हैं जो अपने आप को गे आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को लेस्बियन आइडेंटिफाई करते हैं, या मेन स्ट्रीम सेक्सुअलिटी से अपने आप को अलग देखते हैं, तो क्या कितनी एक्सेप्टेंस है उसके बारे में हमारे परिवारों में? क्या हमारे परिवार हमें इसी तरह से अभी अभी नहीं बड़ा करते कि हम डब्बों में फिट हो जाएं? वो पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हम डब्बों में फिट हो जाएं, और एक्सप्लॉयटेशन जो है वो अभी भी चल रही है। और पहले ये था कि पहले हमारे पास वोकैबुलरी नहीं थी, पहले हमें नहीं पता था कि दो पुरुष अगर साथ में रह रहे हैं, दो पुरुष का कोई संबंध है तो वो क्या संबंध होगा। अभी हम तुरंत टैग कर रहे हैं लोगों को, है ना। अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन का जो सही इस्तेमाल भी हो रहा है और उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। इसके अलावा स्कूलों में, क्या स्कूलों में हम लोग बात करते हैं सेक्सुअलिटी की? नहीं करते, क्योंकि स्कूलों में हमें तैयार किया जाता है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। इसके अलावा सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन अगर आप हमारी जिंदगियों में देखें तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमारे स्कूलों में हुआ है। क्या स्कूलों में बात हो रही है 377 के बाद? क्या हमारे काम करने की जगह जो है वो क्वेर कम्युनिटी के लोगों के लिए सेफ है? सवाल है। क्या नौकरियों में आरक्षण है? कितनी विजिबिलिटी सड़कों पे है? कितनी मोबिलिटी है हम लोगों के पास? कौन से तबके को इससे अधिक फायदा हुआ है सिमरन? कौन से तबके के लोगों ने पिटीशन फाइल किया था 377 को खत्म करने के लिए? फिर आप बात करते हैं उस कानून में, आपके प्राइवेट स्पेस में आप जो है वो अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपना पर्सनल और प्राइवेट स्पेस का एक्सेस हमारे देश में किसके पास आ रहा है? क्या सड़क पे काम करने वाले मजदूर के पास वो प्राइवेट स्पेस का प्रिविलेज है? कौन सी प्रिविलेज कम्युनिटी को इसका इस कानून के खत्म हो जाने का ज्यादा फायदा हुआ है? इसके अलावा हम लोग राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, किसके पास राइट टू प्राइवेसी का हक है? इसके अलावा एक और हम लोग अगर स्टेप आगे बढ़ें तो उसके जैसे ही कानून खत्म हुआ 377, उसके बाद फिर चर्चा शुरू हो गई सेम सेक्स मैरिज की लीगलाइजेशन के लिए। तो क्या सेम सेक्स मैरिज का
क्या हम मानते हैं कि मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो पेट्रियार्कल है, क्या मैरिज के इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी कमियां हैं, तो क्या हम लोग मैरिज में एंडोगमी की बात किए बिना, या हम लोग जो मानते हैं कि हमारी हम शादियां जो हैं वो एक तो आप एक तो सेक्सुअलिटी पे कंट्रोल है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम ऑप्रेसिव मानते हैं, पेट्रियार्कल मानते हैं, इसके अलावा एक इंस्टीट्यूशन है जो कास्ट सिस्टम को आगे लेके जाता है, तो क्या अगर हम सेम सेक्स मैरिज की बात करते हैं, क्या हम उसमें कास्ट की बात कर रहे हैं, क्या हम उसमें क्लास की बात कर रहे हैं, क्या हम उसमें पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं, क्या हम उसमें ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये सब बातें किए बिना ये जो सेम सेक्स शादी का जो जो फायदा है वो किसे मिलने वाला है उस पर हमें सोचना पड़ेगा। इसके अलावा असली जीत कब होगी कि हम लोग जो है इस जो हम जो 377 कानून के खत्म होने के बाद हम लोग चाह रहे हैं इस तरह का समाज हो, तो असली जीत कब होगी? असली जीत तब होगी कि जब हम इंटरसेक्शनैलिटी की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे कि हम लोग सेक्सुअलिटी के साथ कास्ट की भी बात करेंगे, कास्ट के साथ हम लोग जेंडर की भी बात करेंगे, क्लास की भी बात करेंगे, रिलीजन की बात करेंगे, रेस की बात करेंगे, और इन सभी मुद्दों को देखते हुए अपना काम सोसाइटी के साथ करेंगे। अगर हम एक ही मुद्दे पे बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे कि शादी अंबेडकर ने कहा था कि शादी जो है इंटर रिलीजियस और इंटर कास्ट मैरिजेस अगर होंगी तो कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा, बट उन्होंने कितने साल पहले कहा था? क्या हम अभी मानते हैं कि एक ऑपरेशन से निकल के हम लोगों को दूसरे ऑपरेशन ऑपरेसिव इंस्टीट्यूट में जाना है? क्या उस इंस्टीट्यूट को हमें उसको उसको जांचने की जरूरत है, उसको परखने की जरूरत है, उसके बारे में बात करने की जरूरत है? तो ये जो क्वेर कम्युनिटी है और जहां बहुत सारी प्रोग्रेसिव बातें होती हैं, वहां बहुत सारी रिग्रेसिव बातें भी होती हैं, और उन रिग्रेसिव बातों को भी जांचने टटोलने की हमें जरूरत है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम एक इंस्टीट्यूशन को तोड़ के दूसरा ऑपरेसिव इंस्टीट्यूशन बना देंगे, और उसके बाद फिर जो है वो हम लोग पूरी जिंदगी जो है वो यही करते रहेंगे कि एक एक इंस्टीट्यूशन को तोड़ के नए इंस्टीट्यूशन में जाएंगे और उसके अलग तरह के ऑपरेसिव नॉर्म्स को हम लोग फिर उनको कैसे हम लोग झेलेंगे उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। I think you've partly covered my third question. So I'm going to merge my third and the fourth question together. I wanted to talk to you about how the education system has been instrumental in teaching, you know, the students about intersectionality in terms of gender and sexuality and caste. This is a very interesting interface, and that, you know, kind of the foundation is really crucial for people to understand historic injustice, especially for the marginalized communities. My next question was also along the same lines, and you can perhaps take, you know, as much time as you want, that how far has the concept of feminism as a means of empowerment of women and smashing patriarchy has been instrumental in taking up the plight of the LGBTQ community, especially, I mean, let's keep Southeast Asian or India as the main focus here, because globally to hum dekh rahe hain that there is a progressive trend towards legalizing same-sex marriages, towards, you know, empowerment of the LGBTQ community. But like you said, there are some regressive measures there. There is a lot of things that need to be uncovered and undiscovered, and there are a lot of layers in the society that and institutional barriers on the top of it. So firstly, how far has the education system been instrumental in teaching us about intersectionality, or has it successfully shrouded the masses on that regard? And secondly, how far has feminism being inclusive of, you know, the struggles of the LGBTQ community? Right. So, Simran, education system कितना इंक्लूसिव है उसके एक्सपीरियंस हमारे पास हैं, हमारे खुद के एक्सपीरियंस हैं कि जितना हैरेसमेंट और जितना बुली मैंने सहन किया है स्कूल में और अपनी फैमिली में, मतलब वो ट्रॉमा अभी तक मेरे साथ है, और उस ट्रॉमा को कैसे डील करना है मुझे लाइफ में वो मुझे मैं फिगर आउट नहीं कर पाता हूँ कई बार। मुझे जेंडर डिस्फोरिया था बचपन में, तो जेंडर डिस्फोरिया में होता क्या है कि आपको जो जेंडर असाइन किया गया है बर्थ के टाइम, कि अगर मेरे मेरी बॉडी के साथ जो है वो पीनस था, टेस्टिकल्स थे, तो डॉक्टर ने मेरे पेरेंट्स को कहा कि आपका ये मेल चाइल्ड है, ये लड़का है, तो सोसाइटी ने मेरा जेंडर जो है माना कि मैं लड़का हूं, तो मेरा जो बिहेवियर होगा वो मर्दों और लड़कों जैसा होगा।
पर मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, जैसे जैसे बड़ा मतलब 1.5 साल का था, 2 साल का था, 3 साल के दौरान, तो मैं अपने आप को, जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैं कहता था कि मैं खाऊंगी, मैं पीऊंगी, मैं चलूंगी, तो मेरा प्रोनाउन जो था वो शी और हर था। तो उसके बाद मैं, मेरे को माँ के कपड़े बहुत अच्छे लगते थे, मेरे को नाचना बहुत अच्छा लगता था, मुझे ज्वेलरी पहनना बहुत अच्छा लगता था, जो बहुत क्यूट चीजें हैं और अभी मुझे गर्लियन बहुत क्यूट फेमिनिन, लगती हैं। या हाँ, वो आइडेंटिफाई मुझे दैट फेमिनिन. वो राइट सो मुझे वो क्यूट लगती है उस समय, बट उस समय वो फियर एसोसिएटेड था उसके साथ, क्योंकि शुरू में तो शायद घर वालों ने सपोर्ट किया होगा मेरे साथ, मुझे कपड़े भी पहनाए होंगे, बट धीरे धीरे जब मैं बड़ा होने लगा तो, अब और बड़ा भी मतलब 3-4 साल का, तो उनको लगने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तो मेरे बाप ने मुझे बहुत पीटा, बहुत ज्यादा हैरेस किया, और एक मतलब जब भी मैं वो कपड़े पहनता था, कलरफुल कपड़े, मेरी माँ के या किसी और महिला के, तो मुझे और तो मेरे को डर था कि मेरे को छुप के करना है, क्योंकि अगर मेरे बाप ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे वो पीटेगा, और मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मेरी पिटाई होती क्यों है। तो कोई समझाने वाला नहीं है कि तुम जाऊंगी खाऊंगी मत बोलो, है ना, कोई समझाने वाला नहीं है कि तुम इस तरह के कपड़े मत पहनो, इस तरह के कपड़े तुम्हारे लिए नहीं बने हैं सोसाइटी में, तो सोसाइटी के जो नियम हैं वो नहीं पता, और आप जो महसूस कर रहे हो आप वो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ा मिसमैच है सोसाइटी के साथ आपका, बहुत अलग तरह का माहौल होता है। स्कूल में लड़के लड़कियों को सेग्रीगेट किया जाता है, अलग बिठाया जाता है ना, आप अगर लड़कियों के साथ ज्यादा खेल रहे हो तो टीचर्स आपको सवाल पूछते हैं, दूसरे लड़के आपको बुली करते हैं, तो ये बुली जो है वो 10th क्लास तक चला मेरे साथ, है ना, और 10th क्लास तक जो है वो डिस्फोरिया मुझे था, और क्या बोलते हैं, मैंने बहुत ज्यादा अपने आप को बदलने की कोशिश की कि मैं जो है वो पूरी तरह से लड़का क्यों नहीं बन जाता, है ना, अपने बिहेवियर को बहुत चेक करने की कोशिश, अपने चलने को, अपने हंसने को, अपने खाने को, हर चीज पे बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पढ़ाई तो बहुत डिस्टर्ब हुई, और उसकी वजह से मेरी खुद की जो ग्रोथ थी, खुद का जो कॉन्फिडेंस था, वो बहुत ही ज्यादा गिर गया था। तो बहुत मुश्किल दिन देखे, अगर मतलब जैसे जब भी टीचर्स डे आता है तो सब लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं टीचर्स के लिए, बहुत अच्छी चीजें कहते हैं, मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता है, और वो हमेशा मैं जरूर क्रिटिकल चीजें सोशल मीडिया लिखता हूँ कि मेरे लिए टीचर्स डे क्या था, कि मेरे लिए टीचर्स जो थे वो जो बच्चे मुझे बुली करते थे, जो बच्चे मुझे हैरेस करते थे, उनके सपोर्ट सिस्टम थे, क्योंकि टीचर्स की खुद की ओरिएंटेशन नहीं थी। बट आप टीचर्स को ऐसा मानते हो कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे आप जब भी आपके साथ कुछ गलत होगा, है ना, टीचर्स जो हैं वो आपको अच्छा गाइड करेंगे, हम सब लोग यही बोलते हैं, बट वो हम जैसे लोगों की जिंदगी में ऐसा नहीं होता, है ना, हम जैसे लोगों के बहुत कम दोस्त होते हैं, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ, खासकर मैं अपनी बात करूं कि मेरे साथ लोग बैठते भी नहीं थे एक डेस्क पे, है ना, कि इसका कि ये कुछ मतलब थोड़ा डिफरेंट है हम लोगों से, है ना, इसके ऊपर सब हंसते हैं, तो जो आपके सपोर्ट में भी आना चाहेंगे, जो आपको पसंद भी करते हैं, वो भी मेजोरिटी के साथ जाने के लिए आपको रिजेक्ट करते हैं, और वो सेंस ऑफ रिजेक्शन जो है वो इतना ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाता है ना, तो मतलब बहुत बुरे हम लोगों ने दिन देखे हैं। उसके अलावा फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करती, आपके सिबलिंग्स आपको एक्सेप्ट नहीं करते, है ना, और वो सब जो आपकी जिंदगी में चल रहा है, मतलब आपकी पढ़ाई उससे डिस्टर्ब हो रही है, आपकी सोशल लाइफ जैसे डिस्टर्ब हो रही है, आपके फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे, तो आपको तरह से लूजर की तरह देखा जाता है, और फैमिलीज में भी ना, आप अच्छे मार्क्स ला रहे हो, आप अच्छे उनकी तरफ से अच्छे बच्चे हो, आप अचीवर हो, तो आपको एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप लूजर हो तो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, और वो फैमिलीज भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, स्कूल सिस्टम भी आपका नहीं है, सोशल सिस्टम भी आपका नहीं है, तो कैसे ग्रो करोगे आप। तो तारे जमीन पर में जब वो आमिर खान वो बात करते हैं ना उस बच्चे के साथ, मतलब पेरेंट्स के साथ, कि अगर एक कम्युनिटी में जहां पर अगर किसी पेड़ को को उस मार देना होता है, तो सब लोग इकट्ठे जाके उसको खूब गालियां देते हैं, उसको खूब भला बुरा बोलते हैं, और कुछ दिनों में पेड़ जो है वो सूख के मर जाता है, वैसे ही इंसानों के साथ भी है, खासकर बच्चों के साथ, कि जब बच्चों को हर तरफ से नफरत, हर तरफ से बुली, हर तरफ से गालियां मिल रही हैं, तो बच्चा कहाँ ग्रो करेगा। तो हम लोग तो सर्वाइवर्स हैं, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत बुरी परिस्थितियों में हम लोग उग के आए हैं वो आगे, और वो भी बहुत सुंदर है एक सेइंग कि तुमने हमें समझा था, तुमने हमें ऐसे कुछ बीज समझा था, एक दाना समझा था कि तुमने हमें मिट्टी में जस्ट फेंक दिया, पर हम तो पेड़ पेड़ बन के उगाए, तो अब क्या करोगे तुम हमारा, है ना,
तो अब मुझे वही लगता है कि अब हम इतनी थिक स्किन हो गई है हमारी कि छोटी मोटी चीजों का हमें फर्क नहीं पड़ता। अब समाज में लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, तो अब उसका हम लोग अच्छे से लॉजिकली उसका उसका जवाब जाना देना जानते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब जब हम काम कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं कैसे सोसाइटी में काम करेंगे, तो मुझे लगता है यार स्कूल्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में काम करने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे बच्चे डिस्फोरिक होंगे, बहुत सारे बच्चों को जेंडर डिस्फोरिया होगा, बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता है कैसे उन बच्चों के साथ बात करनी है, बहुत सारे अगर उसी उसी उम्र में आप बच्चों को डाइवर्सिटी सिखाएंगे, उसी उम्र में आप बच्चों को कितने तरह के जेंडर हैं, कितने तरह की यौनिक रुझान होते हैं ये सिखाएंगे, तो कैसे सोसाइटी कितनी खूबसूरत सोसाइटी बनेगी, है ना। तो मुझे लगता है तो वही है कि जो हम अपनी जिंदगियों से सीख पाए हैं ना, हम चाहते हैं कि अगली जनरेशन वो ना सीखे। बट मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं ये 18, 19, 21, 20, 22 साल के बच्चों से बात करता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि यार मतलब हमारी जनरेशन ने जो मतलब मैं 33 साल का हूँ और एक 10-15 साल का गैप है, तो मुझे लगता है कि अभी के जो जनरेशन है वो ज्यादा सॉर्टेड है, उन्हें पता है उनकी आइडेंटिटी क्या है, उन्हें उन्हें पता है उनको लाइफ में चाहिए क्या, है ना। तो मुझे बड़ा खुशी मिलती है और मुझे लगता है कि ये जो मतलब ये जो समाज है ना, जो हमारे पेरेंट्स वाला जनरेशन था, जो हमारा जनरेशन था, जो बहुत छुप छुप के रहते थे, बहुत कंफ्यूजन में थे, ये वाले भी कंफ्यूज हैं बट ये वाले सॉर्टेड भी बहुत हैं। ये इनको पता है कि क्या करना है, इनके पास वो शब्दावली है, इनके पास वो लॉजिक है देने के लिए समाज को कि हम लोग क्या हैं और हम लोगों को क्या चाहिए और हमारे अधिकार क्या है। तो जरूर फैमिलीज में काम करने की जरूरत है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में काम करने की जरूरत है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में तो हमें ऐसा करिकुलम लाना पड़ेगा जो इंक्लूसिव हो, जहां जेंडर की बात हो, सेक्सुअलिटी की बात हो। हमारे कुछ दोस्त हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जो स्कूल्स में जाते हैं, और उनसे मैंने पूछा कि आप लोग कैसे जाते हैं, क्या बात करते हैं, क्योंकि स्कूल वाले तो घुसने नहीं देंगे, स्कूल सिस्टम कैसा है हमें पता है। तो बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बॉडी लिटरेसी की बात करेंगे। तो बॉडी लिटरेसी की बात, गुड टच और बैड टच की बात करते करते हम लोग कैसे वहां तक, हमें हमारा जो एजेंडा है हमें कैसे उसको पूरा करना है, उसको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाके बात करते हैं। तो हमने ऐसे तरीके हम लोग इजाद कर रहे हैं कि कैसे हम लोग स्कूल्स में घुस के बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ और पेरेंट्स के साथ हम लोग सेक्सुअलिटी पे, जेंडर पे हम लोग बात करेंगे, ऑफकोर्स कास्ट पे। तो दूसरा हम लोग मतलब कास्ट और जेंडर और या सेक्सुअलिटी कैसे इंटरसेक्ट करती है, मुझे लगता है कि बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल है। कुछ साल पहले एक मूवमेंट चला था, इट्स कॉल्ड स्मैश ब्रह्मानिकल पेट्रियार्की, शायद आपने सुना होगा। तो हम लोग जब लिखते हैं ब्रह्मानिकल पेट्रियार्की के बारे में तो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, और वो लोग कौन है हमें पता है, वो लोग हैं स्वर्ण सिस हेट मर्द जिनको बहुत परेशानी होती है इन चीजों से, तो और उन्हीं को फायदा भी है पेट्रियार्की का भी और ब्रह्मानिकल आइडियोलॉजी का भी। तो मैं इसको इसके बारे में और बताना चाहता हूं कि एक है पेट्रियार्की जो एक इंस्टीट्यूशन है, एक सोच है, एक सोशल स्ट्रक्चर है जो जो कहता है कि जो पुरुष है वो बेहतर है महिला से, राइट। और इसके अलावा वो पुरुष यहाँ पर है और उसके उसके नीचे जो है वो चीज है, और वो जो पुरुष है वो स्वर्ण है, वो तथाकथित ऊंची जाति का है, और वो क्या बोलते हैं सिस हेट है, वो क्या बोलते हैं विषम लैंगिक है, ठीक है। तो ये पुरुष यहाँ खड़ा, इसके उसको लगता है सब उसके नीचे है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो उन पुरुषों ने, मुट्ठी भर पुरुषों ने बनाया बनाया है। तो ये है पेट्रियार्की जो महिला की सेक्सुअलिटी पे कंट्रोल करती है, जो वो जेंडर के डब्बों में हमें घुसाती है, जो कहती है कि सेक्सुअलिटी जो है वो उसमें डाइवर्सिटी नहीं हो सकती, है ना। इसके अलावा जो ब्रह्मैनिकल है, जो ब्राह्मणवादी एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, वो कहती है कि जो जो ब्राह्मण है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, और जो मनुवाद है, अगर आप हिंदू एक बहुत पुराना ग्रंथ को की बात करें जो बहुत रिग्रेसिव है, जिसमें बहुत सारी चीजें बहुत बुरी लिखी हुई हैं कि महिलाओं के कोई अधिकार नहीं है, दलितों के कोई अधिकार नहीं है, तो वो जो सोच है, जो ब्राह्मणवादी सोच है, और जब वो मिल जाती है, मतलब ये ब्राह्मणवादी सोच जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से ही आती है और वो कास्ट ही है। तो जब कास्ट और पेट्रियार्की मिल जाती है
इंटरसेक्ट करती हैं तो वो ब्रह्मैनिकल पेट्रियार्की है, और जिसमें पेट्रियार्की में कहते हैं कि महिला जो है उसकी जब शादी होगी एक पुरुष के साथ, तो उसका जो जो पुरुष का जो जो गोत्र है, उसका जो खून है वो शुद्ध होना चाहिए, मतलब उसका बच्चा जो है वो उसी पुरुष के साथ होना चाहिए, तो वो कंट्रोल उसके 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 ऊपर कंट्रोल है। तो ये दो चीजें हैं, तो पेट्रियार्की जो है वो तो दलित व्यक्ति भी कर रहा है, बट जब इसमें ब्राह्मणवाद आ गया तो फिर वो उसकी वो ये भी चाह रहा है कि उसकी खून की जो शुद्धता है वो बनी रहे। ठीक है, तो अब ब्रह्मैनिकल क्या है कि कहां से आया है? तो ब्रह्मैनिकल जो है उसका ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है, उसका किसी कास्ट से लेना देना नहीं है, कोई दलित व्यक्ति भी ब्राह्मणवादी हो सकता है। ठीक है, ब्राह्मण ब्रह्मैनिकल तो एक रिग्रेसिव सोच है जो बहुत सारी चीजों को ह्यूमन राइट्स को कंट्रोल करता है बेसिकली। तो अगर अगर हम किसी भी सामाजिक मुद्दे पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम जाति पे काम कर रहे हैं, और अगर हम पेट्रियार्की नहीं समझते, अगर हम क्लास नहीं समझते, अगर हम रेस नहीं समझते, अगर हम रिलीजन नहीं समझते, तो हमारा काम अधूरा है। तो इंटरसेक्शनैलिटी ये कहती है कि ये जो सारे सोशल इश्यूज हैं ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करते हैं, और वो इंटरसेक्शनैलिटी को समझे बिना हमारा जो काम है वो अधूरा है। तो चाहे वो जेंडर कास्ट की इंटरसेक्शनैलिटी हो, चाहे वो रिलीजन रेस की इंटरसेक्शनैलिटी हो, या किसी और सामाजिक मुद्दे की, वो इंटरसेक्शनैलिटी को समझना और उसके साथ लेकर हमें अपने काम को करना बहुत जरूरी है। राइट, क्लियरली कवरिंग ऑल द कॉम्प्लेक्स टेरेन्स एंड यू नो इट्स सच अ कॉम्प्लेक्स एंड अ क्रूशियल इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर सेक्सुअलिटी पेट्रियार्की एंड यू नो व्हेन यू ऐड इन द इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवेयरनेस एक्चुअली इज पुशिंग इट्स लाइक इट्स अ रिग्रेसिव मेजर दैट्स बीन टेकन बाय द इंस्टीट्यूशंस दैट इज इफेक्टिवली स्टाइफलिंग द वॉइसेस ऑफ पीपल हु विश टू ओन अप टू देयर सेक्सुअलिटी हु विश टू ओन अप टू देयर आइडेंटिटीज। So, I want to gather your views on, you know, the recent transgender bill that came in 2019 and was passed into a law and that received a lot of backlash from the community because it talks about incarceration, it talks about brutalities, it talks about multiple things. Broadly, I am just picking out the things that you know, that deserve considerable deliberation. And right. What are your views? Like a type, you know, on the one side, there are positive legal developments that are taking place that are giving the legal recognition and fundamental rights that the judiciary is interpreting that, you know, the citizens and male, female, and then there is the another gender, the LGBTQ community that also is the they are also deserving of those same very fundamental rights. But then there's this transgender bill 2019, which the crucial stakeholders of that bill are not happy with that piece of legislation on multiple grounds. So what do you think that says about us as a society and about the challenges that lie for you ahead? सिमरन, इससे पहले आपका एक सवाल रह गया ऑन फेमिनिज्म इन साउथ एशिया और कैसे वो इवॉल्व हुआ है मूवमेंट। सो आई वांट टू अभी मैं उसका आंसर दे दूं फटाफट ब्रीफ में और फिर आपके अगले सवाल के ऊपर मैं जाता हूं। सो फेमिनिज्म की डेफिनेशन बहुत अलग अलग है बहुत अलग अलग समुदायों के लिए। पहले आज से करीब 30 साल पहले का फेमिनिज्म देखें तो सिर्फ महिला और पुरुष की बात करते थे अधिकतर लोग, बट अभी जो है वो डेफिनेशन इवॉल्व हुई है। और एक बहुत खूबसूरत सेइंग है कि इफ योर फेमिनिज्म इज नॉट इंटरसेक्शनल देन इट इज ट्रैश। अगर आपका फेमिनिज्म जो है वो नहीं बात करता कास्ट की, अगर आपके फेमिनिज्म इंटरसेक्शनैलिटी की बात नहीं करता रिलीजन की, कास्ट की, क्लास की, रेस की, तो आपका फेमिनिज्म जो है वो हमें नहीं चाहिए अभी। तो मेरा जो फेमिनिज्म है वो तो इंटरसेक्शनैलिटी की बात करता है। इसके अलावा अभी का जो मूवमेंट है कई बार हमें दिखने को मिलता है जो बहुत सीनियर फेमिनिस्ट हैं तो उनकी बातों में लगता है कि कास्ट का जो मुद्दा है वो हमेशा खत्म हो जाता है।
है ना। एक और बहुत सुंदर किसी ने पोस्ट डाला हुआ था कि हर स्वर्ण फेमिनिस्ट के पीछे एक दलित मेड होती है हमेशा। तो आपके घर में एक महिला है जो एक सर्टेन कम्युनिटी, एक क्लास से आती है, एक कास्ट से आती है, वो आपके घर संभालती है, आपके घर में काम करती है, तो आप बाहर निकल के फेमिनिज्म की बात करते हैं, बट अपने राइट्स की बात करते हैं, अपने खास स्वर्ण फेमिनिस्ट महिलाओं की बात करते हैं, वो जो महिला है उसके राइट्स का कोई अभी बात नहीं करते हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा LGBTQI इश्यूज मिसिंग थे, उन्हें बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट के लोगों को लगता है कि हम लोग अगर LGBTQI की बात करेंगे, ट्रांस महिला की बात करेंगे, हम लोग लेस्बियन महिला की बात करेंगे, तो हमारा जो मूवमेंट है उसको दूसरी कम्युनिटी के लोग हाईजेक कर लेंगे, जो बहुत ही गलत और रिग्रेसिव सोच है। हमें इंक्लूसिव होना है, और मुझे तो ये लगता है कि महिलाएं और क्वेर कम्युनिटी के लोग, ट्रांसजेंडर लोग जो हैं, हम लोग एलाइज हैं, क्योंकि हम लोग एक ही चीज से ज्यादा पीड़ित हैं, और जो है पुरुषवाद, जो है मर्दवाद, और जो है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, इससे हम लोग ज्यादा त्रस्त हैं। तो हम लोग तो एक दूसरे के साथी हैं, हम लोग अगर साथ में मिलके काम करेंगे तो अपना काम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यही मैं चाहता हूं, मतलब अभी हम लोग जो अभी की जो हम लोग जो जनरेशन है, हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो मूवमेंट है, हमारा जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, वो और इंक्लूसिव कैसे बने, और उसमें हम लोग मुद्दों की बात कर सकें, और हम लोग उसमें जाति की बात कर सकें, हम लोग सेक्सुअलिटी की बात कर सकें, और हम लोग हर मार्जिनलाइज कम्युनिटी की बात कर सकें, और सबको साथ लेके जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए। तो मैं कहना चाहूंगा, अगले आपका जो अगला सवाल था ऑन ट्रांसजेंडर पर्संस बिल 2019 के ऊपर, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप देखें जिस समय इस तरह ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो किस तरह का जो था, जो खासकर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी उसमें किस तरह का रोष था इस बिल को लेके, क्योंकि ये जो बिल है ये आपकी जो एजेंसी है आपके शरीर के ऊपर, उसको ले लेता है, उसको लेके स्टेट के हाथ में दे देता है। तो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है, जिसमें आपको जेंडर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और स्टेट जो है वो कितनी पेट्रियाकल है, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो किस तरह से है, वो हम सब लोगों को पता है, और कैसे हमारे पर्सनहुड को दरकिनार करके हमारी सिर्फ शरीरों को देखकर और उसके हिसाब से हमें सर्टिफिकेट देके बहुत ही मतलब इसके बारे में जितनी भी निंदा की जाए और जितना भी इस पूरे बिल को रिजेक्ट किया जाए वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसमें जो और जो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं वो मैं एक बार बताना चाहूंगा कि कैसे हम लोगों के पीछे की कैसी सोच है कि हम लोग कोई भी जब बिल बनाते हैं तो उसमें जिस कम्युनिटी के लिए हम लोग इन बिलों को बनाते हैं, क्या कितने लोग उस कम्युनिटी के उन बिलों के ड्राफ्ट में हमारे साथ होते हैं। तो हम लोगों के पास वो जो एक सोच है, वो जो एक पुराने तरीके से चली आ रही जो चीजें हैं, जिसमें हम लोग किसी के लिए कोई नियम बनाएंगे किसी कम्युनिटी के लिए, और अपने ऊपर अपने जिम्मेदारी लेके कि हमारी ये जिम्मेदारी है उस कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट करना है, और फिर हम किस तरह के बिल, किस तरह के कानून लेके आते हैं जो उनका फायदा कम और नुकसान जो है वो ज्यादा करते हैं। तो ये सोच पे हमें खुद को टटोलना पड़ेगा, खुद को जांचना पड़ेगा। इसके अलावा नालसा जजमेंट में जो एक कि हम अपना जेंडर जो है उसको एक राइट ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात नालसा जजमेंट में की गई है, तो या तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप मर्द हैं, औरत हैं, या ट्रांसजेंडर हैं, तो वो जो आपका जो राइट है उसको पूरी तरह से उसको वायलेट करता है ये जो ट्रांसजेंडर पर्सन बिल 2019 है। और इसके अलावा जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, उसको पूरी तरह से वायलेट करता है। इसमें जो पनिशमेंट लिखी गई है, अगर किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ किसी तरह का सेक्सुअल अब्यूज होता है, सेक्सुअल वायलेंस होता है, तो उसमें जो पनिशमेंट है वो सिर्फ 6 महीने से 2 साल तक की पनिशमेंट है। और इसके अलावा जो दूसरे जो महिला पुरुष है उनके साथ किसी तरह का सेक्सुअल वायलेंस होता है तो उसमें 6 साल से 10 साल की पनिशमेंट है। तो कितना ज्यादा फर्क है कि मतलब आप अभी भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आप किस तरह से देख रहे हो, है ना, सिर्फ 6 महीने से 2 साल की सजा, तो आप मतलब अभी भी समानता नहीं लाना चाहते या उस समान नजर से नहीं देख रहे हो। दूसरा, स्टेट बार बार कह रही है कि
ये जो बिल है, जब भी कानून बनेगा, तो ये पूरी तरह से एम्पावर करेगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, बट हमें लग रहा है कि पूरी तरह से एम्पावर करेगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, क्योंकि आपने बात की है कि जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपको सर्टिफिकेट देगा, आपका जेंडर सर्टिफिकेट, तो आपको कई तरह की सर्जरी से गुजरना पड़ेगा, आपको कई तरह की काउंसलिंग से गुजरना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें जो है ये कहाँ से आ रही है और इसके पीछे की सोच क्या है? क्या इसके पीछे की सोच ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एम्पावर करने की जरूरत है, या डाइवर्सिटी को फिर से बॉक्स में, फिर से डब्बों में ठूस देने की कोई साजिश है? तो वो हमें अच्छे से सोचना पड़ेगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी ऑडियंस, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, कि जरूर इसके बारे में और पढ़ें और जानने की कोशिश करें, और जो भी आपके मन में चीजें हैं, जो भी आपके मन में सवाल हैं, आप कहना चाहते हैं, तो जरूर लोगों से कहिए, सोशल मीडिया मीडिया पे लिखिए इसके बारे में, क्योंकि हम लोगों को बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की और आपके एक्सेप्टेंस की। Absolutely. I think in the times when society is not embracive, acceptive, and at, you know, at a time when society is completely in a divisive mode, I would say, coming up with such a movement requires a lot of resilience, strength, courage, and I would like to congratulate you. And I think I take a lot of pride in saying that, that I'm so happy that, you know, our forum, Honest Critique, truly stood up to its adage, which was Honest Critique, because you honestly critique the institutions, dissected the different paradigms and you know, every stakeholder which has a role in this ecosystem, and how brutally and harshly the systems and the society and the institutions do to people who own up to their sexuality, or people who choose to not be heteronormative or heterosexual. I think at this point I would also like to say that, you know, law ascribes a lot of identities. It segregates citizens. It can be a positive measure of human advancement, but can also be an example of, like you said, exploitation, arbitrariness, and stifling voices. So I would like to conclude, you know, by thanking you, Shashankji, for such an engaging, wonderful, I can proudly vouch for the fact that this is one of the most wonderful, beautiful interviews that we've done as a team. And thank you so much for sharing your stories so openly, and I'm sure it gives a lot of courage to, you know, people out there who are suffering in silence, and especially on a day like World Mental Health Day, where finally conversations around mental health are coming out in the open. And I hope that the conversations that we've shared, and, you know, we'll share with the audiences, someday become dinner table conversations, someday become, you know, conversations where these kind of conversations can be openly done in, you know, families, and families are not oppressive institutions. And I know it's very difficult to be an idealist in such a harsh world, but I think idealism is something that pushes us to be better versions of ourselves. So let's continue with that. And it's a long fight, and we don't see a culmination or an end to this. There's no one simple answer to it. I think mobilization, awareness, engagement, all of that, I think these are the only means of advancing with what our vision is. So thank you so much. And I hope that this interview will be up soon with the subtitles. And thank you so much. It was really lovely. Thank you, Simran. Yeah, thank you. थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड बहुत सुंदर प्रोसेस था इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत शुक्रिया। और अंतिम लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि बराबरी जिंदाबाद, और जो हम लोगों ने सपना देखा है एक बराबर, एक 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 खूबसूरत समाज का, उसको मिलके हम लोग निर्माण करेंगे उसका, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।